वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर बायोआरएस ट्यूटोरियल। हमारा आज का टॉपिक है एंजाइम्स। पहले मैं आपको इस एंजाइम वर्ड का मीनिंग समझाती हूँ। देखिए, ये एंजाइम दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है एन और सेकेंड है जाइम। एन वर्ड का मीनिंग होता है इन यानी इनसाइड और जाइम वर्ड का मीनिंग होता है यीस्ट, जो आप जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एंजाइम की डिस्कवरी एक्सीडेंटली हुई थी। एक साइंटिस्ट जिनका नाम बकनर था, वो जब शुगर के फर्मेंटेशन प्रोसेस को स्टडी कर रहे थे तो एक्सीडेंटली उन्होंने एंजाइम को डिस्कवर किया। इन्होंने ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस ये पाया कि ना केवल यीस्ट जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये शुगर के फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि यीस्ट का जो एक्सट्रैक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, वो भी शुगर के फर्मेंटेशन प्रोसेस को करने में मदद कर रहा है। तो इस तरह इन्होंने पता लगाया, डिस्कवरी किया फर्स्ट एंजाइम का। और इस तरह इन्होंने ये जाना कि कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि शुगर के फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं अदर दैन यीस्ट। देखिए, एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बतला रही हूं। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं और केवल इन 5 पॉइंट्स को आप अपने ब्रेन में स्टोर कर पाए तो आपको एंजाइम्स की डेफिनेशन को कभी भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ये आपको याद रह जाएगा। देखिए, एंजाइम्स का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ये प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड्स, यानी प्रोटीन इन नेचर है। सेकेंड है, ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, यानी कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वर्ड का मीनिंग होता है कि जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है तो खुद में चेंज लाए बिना जब किसी भी प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं या उसमें चेंजेस लाते हैं तो उसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो एंजाइम्स एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। और ये कहां सिक्रीट होते हैं? ये लिविंग सेल में सिक्रीट होते हैं। ये थर्मोलेबाइल है। थर्मोलेबाइल मतलब ये, थर्मो मतलब आप जानते हैं हीट, और लेबाइल मतलब होता है वल्नरेबल, यानी एंजाइम्स के ऊपर एक सर्टेन टेम्परेचर पे यानी एक सर्टेन हीट पे ये एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। और लास्ट है कि ये एंजाइम्स स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं, यानी एक सर्टेन, एक खास एंजाइम का एक खास एक्शन होता है, रोल होता है। तो इसे अगर हम लैंग्वेज में अरेंज कर दें तो एंजाइम्स का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, यहां मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल, ये कहां सिंथेसाइज होता है? लिविंग सेल में सिंथेसाइज होता है, विच आर प्रोटीन इन नेचर, और ये नेचर के कैसे होते हैं? प्रोटीन नेचर्ड होते हैं, और थर्मोलेबाइड एंड स्पेसिफिक इन एक्शन। ओके, तो ये आपका एंजाइम्स का डेफिनेशन है। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल विच आर प्रोटीन इन नेचर, थर्मोलेबाइल एंड स्पेसिफिक इन एक्शन। इसमें बस आपको एक नोट याद रखना होगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा, जो ये है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, सारे एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर है एक्सेप्ट राइबोसाइम, जो कि एक आरएनए मॉलिक्यूल है जो कि कैटलिटिक यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करता है, राइबोसाइम। अब सेकेंड पॉइंट जो आप नोट कर लीजिए वो ये कि एंजाइम्स, देखिए, एक तो एंडो एंजाइम्स क्या होता है और दूसरा ये एक्सो एंजाइम्स क्या होता है। एंडो वर्ड का मीनिंग आपको मालूम है, इनसाइड। तो जब इनसाइड द सेल कोई भी एंजाइम, आपको मालूम है कि सेल के अंदर सिक्रीट होता है कोई भी एंजाइम, तो अगर एंजाइम की सिंथेसिस सेल के अंदर हो रही है, साथ में ये फंक्शन भी सेल के अंदर ही कर रहा है, तो इसको हम एंडो एंजाइम कहते हैं। एंडो मींस अंदर और यहां तो एंजाइम, तो इनसाइड द सेल जब फंक्शन होता है और साथ में सिंथेसिस भी होता है एंजाइम को, तो इसे एंडो एंजाइम कहते हैं। इसमें मोस्टली 90% एंजाइम्स इस नेचर के होते हैं, एंडो एंजाइम नेचर के। इसका एग्जाम्पल है जैसे TCA साइकिल, इस प्रोसेस में एंडो एंजाइम होता है, ग्लाइकोलाइसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस, इन सारे प्रोसेस में एंडो एंजाइम्स नेचर होता है। लेकिन नेक्स्ट देखिए आप, एक्सो एंजाइम्स नेचर क्या होता है। एक्सो मींस आउटसाइड,
और एंजाइम्स आपको मैंने बता दिया कि ये सिक्रीट होते हैं इनसाइड द सेल. तो जब भी कोई भी एंजाइम सिक्रीट तो हुए हैं सेल के अंदर, लेकिन फंक्शन ये करेंगे आउटसाइड द सेल, तो इन्हें हम एक्सो एंजाइम कहेंगे. और ये ओनली 10% एंजाइम्स एक्सो एंजाइम नेचर के होते हैं. इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, यह है डाइजेस्टिव एंजाइम. जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड से या डाइजेस्टिव ग्लैंड से, इनमें ये एक्सो एंजाइम्स बनते जरूर हैं, लेकिन ये फंक्शन करते हैं स्टमक में या फिर डियोडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो इस तरह क्योंकि वो फंक्शन आउटसाइड द सेल कर रहे हैं जहां वो सीक्रेट हुए हैं उसके अलावा, इसलिए इन्हें हम एक्सो एंजाइम्स कहते हैं. थर्ड पॉइंट आप नोट कीजिए कि कुछ एंजाइम्स वो सिंथेसाइज होते हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में ये रहते हैं. इनएक्टिव फॉर्म में ये क्यों रहते हैं, इसका रीजन ये है कि स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एक्शन ये कर सकते हैं. तो इनएक्टिव फॉर्म में अगर नहीं होंगे ये एंजाइम्स तो ये इवन हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टमक उसको भी डैमेज कर सकते हैं. इसलिए जब तक इनका काम ना हो तब तक ये एक्टिव फॉर्म में नहीं आते हैं, और जब इनको एक्शन करना होता है ओनली फॉर दैट टाइम ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आते हैं. ये इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम्स होते हैं इनको प्रोएंजाइम कहते हैं या फिर जाइमोजेन भी कहते हैं. तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज प्रोएंजाइम या फिर व्हाट इज जाइमोजेन. तो ये वो एंजाइम्स हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं. अब एग्जाम्पल इसका एक देख लीजिए आप, जैसे ट्रिप्सिनोजेन, ये पैनक्रियास में सिक्रीट होता है ये ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम. इसमें जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है तो ये ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन बन जाता है, ये एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन बन जाता है. ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होने में, यानी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने में जो एंजाइम हेल्प करता है वो एंजाइम है एंटेरोकाइनेज. अब यहां आप देखिए प्रो एंजाइम्स को आप कैसे पहचानिएगा. तो इसमें आप ये नोट कर लीजिए कि आइदर या तो प्रीफिक्स प्रो से शुरू होगा या फिर सफिक्स इसका ओजेन, ओजेन से खत्म होगा. जैसे फॉर एग्जांपल यहां देख लीजिए प्रो इलास्टेज, इसमें आप देख लीजिए प्रीफिक्स प्रो है, और यहां देखिए ये क्या है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो इसमें भी आप दे सकते हैं कि प्रीफिक्स क्या है प्रो है. अब एक सफिक्स का एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये ट्रिप्सिनोजेन, इसमें ओजेन आप दे सकते हैं कि सफिक्स है. इसी तरह पेप्सिनोजेन, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ओजेन इसका सफिक्स है. तो इस तरह आप प्रो एंजाइम्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं.